ये ऑर्डर आ रहे हैं हमारी जीजा साहब की ओर से। जीजा जी बताइए क्या कर सकते हैं आपके लिए। मैगी बनाओ। मैगी मैगी गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आज के इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है डायरेक्ट दीक्षु के रूम से। एंड यहाँ पे ना सुबह सुबह मूड खुश हो गया, क्योंकि देखो यार दीक्षु के बेड के ऊपर ना फोटो लग रखी है, जिसमें कि हम सारे के सारे फैमिली मेम्बर, खासकर यहाँ पे आप देख सकते हैं मम्मी और पापा, जो कि भाई इस फोटो को देखने के बाद ना मतलब क्या ही बोले दोस्तों, क्या फील आता है। तो खैर अभी फटाफट से उठता हूँ, क्योंकि बाहर से भाई मुझे एक ऑर्डर आ रहा है। ये ऑर्डर आ रहा है हमारी जीजा साहब की ओर से। जीजा जी बताइए क्या कर सकते हैं आपके लिए। मैगी बनाओ। मैगी मैगी दीक्षु से नहीं बनवा रहे, मेरे को क्यों? नहीं नहीं, आपके हाथों से खाई थी ना हमने एक बार, खाइए जीजा। तो अभी चलो बना देते हैं मैगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है भाई देसी राजमा, जो कि सारे लोग घर के मिलके यहाँ पे काम कर रहे हैं, खेतों से निकाल के लाए। जीजा यार मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपके यहाँ पे जो खेत है, सच में मुझे तो हमारे यहाँ पे भी है पर थोड़ा सा डर लगता है, कैसे कर लेते हो मैनेज? यहाँ के मतलब बैल जो होते हैं हमारे छोटे होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं उसी हिसाब से, है ना? क्योंकि अगर आप देखोगे ना दोस्तों यहाँ से, तो खेत जो है उनकी थोड़े छोटे छोटे खेत रहते हैं और ढलान ज़्यादा रहती है, बट फिर भी इतना ज़्यादा जो यहाँ पे खेती बाड़ी होती है, ये चीज़ भी काफ़ी देखने लायक है। और तुम बताओ दोस्त, क्या हाल चाल? बढ़िया, आप सुनाओ। बढ़िया। तो भाई दीक्षु ने वैसे तो आप लोगों को मिला ही दिया होगा भाई से भी, ठीक है? और दीक्षु तुम्हारे क्या हाल चाल? देख लो इधर, यूट्यूबर साहब ब्लॉग नहीं बनाया आज, इनको तो यूट्यूबर ही बोलूंगा। थोड़ी देर में बुलाने। चलो मेरे को सामान दिखा दो, कहाँ कहाँ पे मैं मैगी बनाता हूँ, ठीक है? हमारे शेफ हिमाचल वाला आज किचन में, वाह वाह, ये क्या ये क्या कमाल हो गया। जीजा के लिए आज तो सोचा कि ऐसी मैगी खिलाऊंगा कि जीजा मैगी खाना छोड़ ही देंगे। दीक्षु तुम्हें खिलाई है आज तक? आज तक खिलाई बना करके? प्यार से मांगो तो जान भी चाहिए। मैंने तो इतना प्यार से मांगा था, आज तक नहीं मिला। कल जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, हाँ वो पकड़ा गया, पकड़ा गया ना, दिलों वाली रोटी बनाई थी दोस्तों, जिसने अभी तक वो स्टोरी नहीं देखी तो इंस्टाग्राम पे जाके देख लो। अभी तक भी इंस्टाग्राम की स्टोरी में पड़ी हुई है। और ये जनाब बोल रहे हैं अपनी तरफ भी कैमरा कर लो थोड़ा। तो जीजा जी कैसी लगी मैगी? क्या ही बोलूँ दोस्तों, अल्टीमेट। बाकी सब तुमसे ली मैंने, शिवानी शिवानी को मैगी का काम कर दो। इधर देखो, भाग क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो? पहले नहीं सुनो, पहले एक पूरी की पूरी जो थाली है वो चावल की खाई, ऊपर से मैगी खाओगे ना फट जाओगे, पता है? नहीं फटती, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। फिर बोलती है मोटी हो गई हो, समझ सकता हूँ। बाकी सबको अच्छी लगी? मम्मी आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी, थोड़ी सी इसमें तरी लगा देते ना तो और बढ़िया। तरी लगा के सीधी सब्जी बन जाने की पूरी, पता नहीं अब सच्ची तारीफ कर रहे हैं झूठी। अच्छी लगी पक्का? और कुछ दिलो भाई, पक्का मैं बयान नहीं कर सकता। चलो तब तो बढ़िया यार, शुक्र है बेइज्जती होने से बच गई। मैंने अंदर ही बोला था कि टेस्टी बनी, बिल्कुल परफेक्ट। तो लगभग जो अभी दोपहर हो चुकी है, एंड यहाँ से जो व्यू है ना घर के सामने से, वो काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट दिखता है। ऊपर आप देख सकते हैं पहाड़ों के ऊपर जो है वो धुंध सी यहाँ भी पड़ जाती है, पूरे के पूरे कुछ इस तरह का यहाँ पे घर है। और ये देखो भाई यहाँ पे मैं और शिवानी खा रहे। शिवानी कैसे लग रहे हैं? अल्टीमेट है, आड़ू। और बताया नहीं ये वाला जो पहाड़ है, इसी पहाड़ में तो तुम्हारा घर है? मेरा इसी पहाड़ में नहीं, जिस पहाड़ में हम बैठे हैं हमारा, इसमें नहीं है। हाँ, सामने वाले पहाड़ में है, आगे जाकर। हाँ समझ सकता हूँ, सामने वाला स्ट्रेट पहाड़। हाँ यही पहाड़ में, ये चीज़ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ वहाँ से वेंटिलेटर से। तो बाकी ना दोस्तों आड़ू खाने का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा छील कर ऊपर से पुदीने वाला ये नमक लगाया है, और ऐसे खा रहे हैं ना मतलब क्या ही बोले दोस्तों, अल्टीमेट। क्योंकि घर के सामने ये एक सेब का पेड़ है, जहाँ पे कि अभी जीजू जी चढ़े हुए हैं। जीजा भी रहने दो यार, पकने दो, ये लो। ओ भाई सेब के लिए गिफ्ट। अरे भाई भाई भाई, साइज़ देखो दोस्तों इस सेब का, लगभग एक थोड़ा सा हल्का सा और होना, एक केजी के बराबर हो जाएगा। खाओगे? सुबह से आज लगे ही हुए हो, कुछ ना कुछ खा ही रहे हो। थोड़ा सा और होता तो एक केजी के बराबर। क्या हो गया? सीरियसली वेट देखो इसका, मजाक की बात नहीं है। थोड़ी कम फेंका करो। अबे बेट देखो तुम्हारे, ऐसे देखना लगभग तुम्हारे मुंह के बराबर सेब है ये। दोस्तों मेरा तन मन धन मैंने सब लगा दिया, लेकिन इस एप्पल को ना मैं सिर्फ इतना सा ख़त्म कर पाया हूँ, बाकी आप देख सकते हैं आधा से ज़्यादा अभी बाकी है।
तो अभी मेरी हेल्प और कौन करेगा? शिवानी तुम तो ग्राउंड से बाहर हो वैसे भी, तुमने ज्यादा खाया, बीमार पड़ जाए। दीक्षु ले यार, बहन नहीं मेरी, बहन नहीं मेरी, प्लीज प्लीज मैं फेंकना नहीं चाहता यार, प्लीज भाई मम्मी का नहीं खाया जाएगा, बहुत बड़ा है ये। थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा तू खा, एक बाइट तू खा, दो बाइट फिर मैं खाऊंगा, ऐसे ऐसे करके खत्म कर देंगे। ले चलो कोई नहीं, हाँ थैंक यू। दोस्तों यार थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए मैं लेट गया था और अभी जो है लगभग शाम हो चुकी है एंड अब यहाँ पे पापा जी भी आ चुके हैं। और पापा जी कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया ना? तो एक्चुअली थोड़ा पापा अनकम्फर्टेबल रहते हैं कैमरा के सामने एंड बाहर आप देख सकते हो दोस्तों कि अंधेरा प्रॉपर हो चुका है और हम लोगों के लिए बन रहा है खाना। अंधेरा हो गया सुबह से, लगे हो, निकले नहीं अभी तक राजमा? बस सब थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा ही बचा है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये निकले हैं राजमा, ठीक है, पूरे के पूरे होती है ना, अभी तक कच्चे हैं ये ना, कच्चे मतलब इनको बाद में बना नहीं, इनको खा तो सकते हैं ना, खा सकते हैं। इसकी दाल बहुत स्वादिष्ट आती है, इसकी ये चीज की, हाँ मतलब ये अभी तक पके हुए राजमा नहीं है, कच्चे राजमा है। बाकी अंदर दीक्षु अंदर ही है, तो चलो अंदर जाके देखता हूँ। रोकी, और ये रहा दीक्षु का डॉगी रोकी। भाई ये भी घर से नहीं हिलता, मतलब ब्रोनी भाग तो जाता है, ये भागता भी नहीं और आने भी नहीं देता किसी को। हेलो दीक्षु का भी इसको कम कर दो थोड़ा सा प्लीज, कॉपीराइट आ जाएगा मुझे प्लीज। इन्होंने देखा, पता चलता है, पता भुखड़ आदमियों का कैसे, ठीक है वो देखो इस व्हाइट शर्ट का क्या हाल कर दिया, ऊपर गिरा लिया था सारा कुछ, मेरे कपड़ों का यही हाल होता है, सभी कपड़ों का। अभी क्या कर रहे हो, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रहे हो? कुकिंग कर रही हूं इसलिए मीनवाइल नेटफ्लिक्स। अरे वाह 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 क्या बात है। दीक्षु कहां गए? नीचे हो? नीचे नीचे तो कोई रूम ही नहीं, वॉशरूम। अच्छा वॉशरूम में गई है, ठीक ठीक फिर आने देते हैं। और हाँ जो एंटीना हम लेके आए थे ना दोस्तों वो भी हमने लगा दिया एंड उसके बाद मैं आपको इंटरनेट स्पीड यहाँ पे चेक करवा दूँ तो मतलब बहुत ही सही इंटरनेट चल रहा है ना शिवानी, अभी ये प्रूफ है, बाकी दीक्षु को भी पूछते हैं। मतलब इंटरनेट स्पीड काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई है, अब जिस कमरे में यूट्यूब हिलता तक नहीं था वहाँ पे 1080p में वीडियोस चल रही हैं, तो बस भाई ये चीज़ चाहिए थी। अब आगे दीक्षु की मेहनत, जीजा देखो और कहाँ छिपके बैठे हैं, उठो खातिरदारी करो जीजा जी। कोई बात नहीं, खातिरदार करते हैं आपकी, करनी है नहीं यार जीजा, वैसे कल से बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, खातिरदारी खातिरदारी नहीं, आप सारी उम्र सेवा पानी करनी है आपकी। नहीं नहीं सेवा पानी तो शायद मैं करूंगा। नहीं नहीं अच्छा आप मैंने करनी है। अच्छा मेरी एक लिमिटेड टाइम तक या फिर वैसे? नहीं अनलिमिटेड, अनलिमिटेड फ्री सेवा पूरी लाइफ टाइम, तब तो मतलब दोस्तों चाहिए ही क्या। एंड अभी ये ऊपर गया था, मैंने आपको बताया डैडी से मिलाया, बट डैडी जो है वो थोड़े से अनकंफर्टेबल रहते हैं, अनकंफर्टेबल तो अभी जीजू भी होते होंगे थोड़े बहुत ब्लॉग में ऐसे बात करने के लिए, थोड़ा नहीं, अभी नए नए हो ना, हो जाएगा आराम से जल्दी, शायद हमारा एक घूमने का प्लान भी साथ में बन रहा है तो वो भी शायद से आपको जल्दी हम और ब्लॉग्स में देखने को मिल सकते हैं साथ में। हाँ जी कब से ढूंढ रहा था तुम्हें? मैं ढूंढ रही थी आपको, ठीक है, कब से पूछ रही भाई किधर है, पूछा वाला नीचे कहाँ है पता नहीं, मैं थोड़ी देर पहले देख के गई तब भी आप इधर नहीं थे। अच्छा मैं ढूंढ रही हूँ, खातिरदारी करो करो, बैठो क्या, बैठा हुआ हूँ मैं तो। हमें घर के मालिक, हमें तो घर के मालिक पकड़ पकड़ के ढूंढने पड़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है तुम्हारे, सच में तुम्हें ढूंढ रहा था काफी देर से, ऐसे वाले मैं ढूंढ रही थी आपको। अच्छा और इंटरनेट कैसा चल रहा है ये बताओ? बहुत ज्यादा बढ़िया हुआ इंप्रूव? ओ बड़े बुरे, बड़े बुरे नहीं, बड़े बड़े खतरनाक तरीके से, बड़े खतरनाक तरीके से ना। हाँ दोस्तों अभी जो है मैंने भी यहाँ पे चेक कर रहा था, ठीक है कोई भी चीज, तो अभी देखो मतलब सिग्नल बार जो है यहाँ छोटे भाई को तो पता होगा ना काफी कम रहते थे, तो अभी छोटे भाई से इधर से खाना खाओ और किचन में बैठ जाओ, उधर ही होती इनकी क्या करते रहते हैं ऐसा, मतलब ये फोन, मतलब फोन चलाते ना तो ये किचन में बैठते इधर फोन में। हाँ मैं कुछ और तो नहीं है, नहीं और ही ऐसे गेमिंग वगैरह कुछ भी। अच्छा गेमिंग भी बात की कुछ, मैंने कहा तब तो ठीक है, तो अभी 480p में एक वीडियो चला रहा हूँ, तो देखो 480 में भी वीडियो प्ले हो रही है आराम से, है ना, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी। अभी चलो 720p में भी वीडियो जो प्ले करके देखते हैं तो उसमें भी हो रही है, तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो बहुत है ये चीज़, क्योंकि ना होने से तो भाई देखो 720p क्वालिटी। थैंक यू, आप बड़े बड़े वो करते वैसे मेरे ऊपर, बड़े एहसान, एहसान नहीं बोलते उसका, पूरा हिसाब दिया जाएगा। फोन कितने कितने अच्छा। कितने मतलब कितना लेने इसके? फोन हो जाएगा कम से कम 10-12 लाख तो हो ही जाएगा सारा कुछ मिला के, अगले जन्म में ले लेना फिर मेरे से 10-12 लाख। चलो ठीक है
तो फोन तो मैंने पल्लू को दे दिया था गिफ्ट, मेरा थोड़ी ना है, तो तुम ले आए तो पल्लू के साथ करो ना डील, तुम मेरा थोड़ी है पल्लू का। कोई नहीं करो यार यूज करो आराम से, ठीक आ जाओ। अरे ओ शिट, क्या लेके आयो, आ जाओ ना। अरे भाई ये क्या है, ये क्या था, वो देखो क्या लिया है, चिकन लिया तो यार उसमें क्या है, जीजा जी खातरदारी कर रहे हैं, चिकन बनाया हुआ है तो उसमें गलत क्या, आ जाओ यार, ये तो जीजा जी की खातरदारी है सच में, ठीक है। लोग मुझे पता हेट करते हैं चिकन को, नहीं दिखाते उनके लिए, कुछ लोग हैं खाने वाले जैसे कि अपने ये भाई बहुत चिकन खाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा, दीक्षु बहुत चिकन खाती है, जीजा तो भाई ऐसा चिकन खाते हैं मतलब लास्ट लेवल, पूछो मत। और मैं चिकन के मामले में थोड़ा सा मतलब समझ सकते हो तुम, और इनको तो भाई कोई अवार्ड है अगर दुनिया में बना हुआ देना चाहिए या नहीं, फिर बोलोगे मैं बेइज्जती मार रहा हूँ, चिकन खाने का अवार्ड मिल रहा है। दुनिया का सबसे बेहतरीन राक्षस कौन सा है, तो उसमें से नाम आएगा मिस्टर हिमाचल वाली उर्फ शिवानी का। खैर दोस्तों, सॉरी मिस हिमाचल वाली। अभी यहाँ पे बैठते हैं, खाते पीते हैं, इन्जॉय करते हैं। तो आई होप आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भूले, अगर आप नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ दोस्तों इंस्टाग्राम पे बिल्कुल भी फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, भगवान के आपका समय शुभ हो, टेक केयर एंड बाय बाय।